नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं अंकुर पांडे। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब सप्ताह में केवल 5 दिन स्कूल बैग ले जाना होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर बैगलेस सेफ सैटरडे योजना की शुरुआत की है। यह योजना देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर शुरू की गई। सीएम नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप से बैगलेस सेफ सैटरडे योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सीएम नीतीश ने इसके दिशा निर्देशों की एक पुस्तक का भी अनावरण किया है। उन्होंने एक बेस्ट प्लस ऐप भी लॉन्च किया, जिसका इस्तेमाल शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। इस ऐप से राज्य भर के 80,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में गतिविधियों की वास्तविक निगरानी और ट्रैकिंग और शिक्षकों की उपस्थिति के लिए किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी को समर्थन देने वाले चिराग पासवान अब कुढ़नी में बीजेपी के साथ हैं। चिराग के ऐलान पर नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने उन पर हमला बोला है। श्रवण कुमार ने कहा है कि फिल्मी स्टाइल में घूमने से काम नहीं चलता है, मेहनत करनी पड़ती है, जमीन पर उतरना पड़ता है। उनको लगता है कि जहां वो पांव रखेंगे वहीं जीत हो जाएगी, लेकिन जब जमीन पर उतरेंगे तब उन्हें सच्चाई पता चलेगी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान कोई नेता नहीं है, सिर्फ फिल्मी स्टाइल में घूमते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। प्रदेश के पश्चिमी चंपारण के कचहरी टोला में प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर बयान दिया। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार की सभी महिलाएं शराबबंदी के नाम पर उनको वोट करती हैं, लेकिन हम में से कोई भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि घरों में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। अफसरशाही का आलम ऐसा है कि गरीब व्यक्ति को अफसर पकड़कर डंडे मारकर पैसे कमाते हैं और अमीर व्यक्ति अंग्रेजी शराब पीता रहता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है, ऐसे में फिर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत कैसे हो सकती है। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के जोकर पंचायत क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव के मुखिया पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। और बता दें कि मुखिया पर नौकरी दिलाने के बहाने दुष्कर्म के आरोप लगे। पीड़िता महिला का कहना है कि मुखिया ने शादी का लालच देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। वहीं इस मामले में आरोपी मुखिया का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो वहीं पीड़ित महिला ने इस मामले में शिकायत थाने में की है, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रखंड के जोकर पंचायत के मुखिया तनवी अहमद, उससे हमारा रिश्ता करीब 7 साल से है और वो बार बार हमसे शादी करने के लिए कहा, पर शादी नहीं कर रहे हैं। और 7 तारीख को यहाँ पे लगियाई में मेरे साथ रहा भी 7-8-9 तक, और 1:30 में रात को पकड़ा भी गया था। उसके बावजूद वहाँ पे वो लिख के भी दिया, अपना स्टेटमेंट लिख के दिया है कि 7 तारीख को ही रात को लिख के दिया है कि हम 9 तारीख को बिंदु के साथ कोर्ट से शादी करेंगे, पर वो 9-10 तारीख को सुबह ही भाग गया यहाँ से। 9 तारीख को कहाँ पकड़ा गया था? कटिहार में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई है। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर पंचायत के बवैया गांव का है, जहां एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस को जब इस पूरे मामले की सूचना मिली तो उन्होंने अपराधी की खोज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों में से एक को धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार महिला ऑटो से घर जा रही थी, तभी 3 नामजद अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं कटिहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि घटना में फरार 2 अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी पुलिस कर रही है। हसनगंज थाना क्षेत्र से एक गैंगरेप का मामला विदित हुआ था, जिसमें 3 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें एक नामजद अभियुक्त जयप्रकाश साह और बमबम साह की गिरफ्तारी आज हुई है, बाकी अन्य 2 अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार। फिलहाल बिहार की खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।